स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, दुनिया के किसी भी देश के लिए उसकी सिक्योरिटी एक अहम पहलू होता है, और ये पहलू और भी ज्यादा अहम तब हो जाता है जब बात देश के इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की हो। इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर्स जैसे कि देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति या देश के कोई अन्य पॉलिटिकल लीडर। इन पॉलिटिकल फिगर्स की सिक्योरिटी को लेकर की गई एक छोटी सी भूल बड़ी घटना का कारण बन सकती है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां सिक्योरिटी एजेंसीज की छोटी सी लापरवाही या भूल दिल दहला देने वाली घटनाओं का कारण बनी। फिर चाहे वो 1963 में टेक्सास के अंदर हुआ अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का असैसिनेशन हो, या 1991 में तमिलनाडु में हुआ फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी का असैसिनेशन। इन सभी घटनाओं के पीछे सबसे प्रमुख कारण सिक्योरिटी में की गई लापरवाही को ही माना जाता है। यही वजह है कि आज दुनिया के सभी देश अपने हेड्स ऑफ स्टेट या इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर्स की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हैं। इसी बात के चलते आज दुनिया के अलग अलग देश अपने हेड ऑफ स्टेट्स को बुलेट और बॉम्ब प्रूफ कार से लेकर जेड प्लस सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। दुनिया के बाकी देशों की तरह इंडिया भी अपने हेड ऑफ स्टेट यानी अपने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी का विशेष ध्यान रखता है ताकि पास्ट में हुई घटनाएं दोहराई ना जाएं। इस बात को ध्यान में रखते हुए वीवीआईपी एयरक्राफ्ट्स को इंडियन हेड ऑफ स्टेट्स की सिक्योरिटी में शामिल किया गया है। दोस्तों, ऐसा ही एक एयरक्राफ्ट है एयर इंडिया वन। 4500 करोड़ की लागत से बनाई ये एयरक्राफ्ट किसी इम्प्रेगनेबल फोर्ट की तरह है जिसकी सिक्योरिटी को ब्रीच करना लगभग नामुमकिन है। यानी ये एयरक्राफ्ट जमीन से लेकर आसमान तक हर तरह के हमलों से निपटने में निपुण है। वहीं काउंटर इंसर्जेंसी के मामले में भी इस एयरक्राफ्ट का कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम एयर इंडिया वन को और भी विस्तार में जानेंगे। क्या है इन एयरक्राफ्ट की खासियत, आखिर इंडिया को इन एयरक्राफ्ट की जरूरत क्या पड़ी, जबकि पहले से ही हमारे पास अपने हेड ऑफ स्टेट्स के लिए बोइंग 747 जंबो जेट जैसा एडवांस एयरक्राफ्ट मौजूद था। ये सब कुछ हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, और इस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल यूपीएससी GS3 के टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इंटरप्शन के लिए माफी, पर ये कोई ऐड नहीं है, बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इंपॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी आईक्यू ने अपना यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900 प्लस आवर्स का लाइव कॉन्टेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ। मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज़ करते हैं। दोस्तों, अगर आप या फिर आपके दोस्त या भाई बहन कभी भी यूपीएससी का एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर मौका फिर कभी मिलेगा। एंड जस्ट टू मेंशन, ये प्राइस लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है। दोस्तों, इन बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 6th of October है, और क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो अब आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करके अपनी यूपीएससी की तैयारी को भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ स्टडी आईक्यू के फाउंडेशन बैचेस का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इस बात से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिंड कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG लाइव, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे ये कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आज एयर इंडिया वन जैसा शानदार एयरक्राफ्ट इंडियन प्रेसिडेंट, इंडियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन वाइस प्रेसिडेंट के सेफ ट्रैवल के लिए मौजूद है। इंडिया के ये पॉलिटिकल फिगर्स इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल अपने डोमेस्टिक या इंटरनेशनल टूर्स के लिए किया करते हैं। इस शाही सवारी ने अपनी ठाट बाट और जबरदस्त हाईटेक फैसिलिटीज की वजह से दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। यही वजह है कि आज इस एयरक्राफ्ट की तुलना US प्रेसिडेंट के अवेलेबल एयरक्राफ्ट एयरफोर्स वन से की जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस एयरक्राफ्ट में लगभग वो सभी फीचर्स मौजूद हैं जो वर्ल्ड के किसी भी दूसरे पावरफुल नेशन के सुपर एयरक्राफ्ट में हैं। दोस्तों, आज US प्रेसिडेंट का एयरक्राफ्ट एयरफोर्स वन अपने आप में फ्लाइंग व्हाइट हाउस की तरह है। व्हाइट हाउस की ही तरह एयरफोर्स वन से भी US प्रेसिडेंट अपने तमाम कामों को अंजाम दे सकते हैं। एयरक्राफ्ट में होने के बावजूद भी US प्रेसिडेंट किसी भी व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। ठीक इसी तरह का कुछ एयरक्राफ्ट इंडिया का VVIP एयर इंडिया वन भी है,
जो इंडियन प्रेसिडेंट के लिए राष्ट्रपति भवन की तरह और प्राइम मिनिस्टर के लिए उनके ऑफिस यानी पीएमओ की तरह काम करता है। इसमें सवार होने के बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर एयरक्राफ्ट्स में बैठे बैठे किसी भी मीटिंग या किसी भी कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर सकते हैं। लेकिन यह सवाल ये उठता है कि आखिर जब इंडिया के पास पहले से बोइंग 747-400 जंबो जेट जैसा एक एडवांस एयरक्राफ्ट मौजूद था जिसमें लगभग ये सभी सुविधाएं मौजूद थी, तो फिर हमें इस नए एयरक्राफ्ट की क्या आवश्यकता महसूस हुई? दोस्तों, उसका जवाब है एयर इंडिया वन का हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम। दोस्तों, ये न्यू एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्ट्रांग है। वहीं उस एयरक्राफ्ट की फ्यूल कैपेसिटी भी बोइंग 747 जंबो जेट के मुकाबले बेहतर है। यानी बोइंग से ज्यादा सिक्योर होने के साथ साथ एयर इंडिया वन बोइंग जंबो जेट की तुलना में ज्यादा लंबी यात्रा तय कर सकता है। दरअसल 14th of July 2014 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बोइंग 747-400 में सवार होकर ब्रिक्स समिट के लिए ब्राजील गए थे। वहां से 17 जुलाई को वापस में प्राइम मिनिस्टर का एयरक्राफ्ट कुछ देर पहले जिस रूट से गुजरा था उसी रूट पर यूक्रेन के नदन रेबल्स ने मलेशियन एयरलाइंस MH17 को मार गिराया था, जिसकी वजह से उस एयरक्राफ्ट में सवार 298 लोग मारे गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बोइंग 747-400 जंबो जेट एयरक्राफ्ट में सवार थे उसमें मिसाइल अटैक से बचने के लिए रूडिमेंटरी प्रोटेक्शन मौजूद नहीं था। इस घटना के बाद इंडियन हेड्स ऑफ स्टेट की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए एक नए और ज्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट की जरूरत महसूस होने लगी। लिहाजा जनवरी 2018 में US बोइंग कंपनी को दो एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर दिए गए। इन एयरक्राफ्ट्स में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी मेजर इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स को ऐड करने का विशेष ध्यान रखा गया। US की टेक्सास की सबसे बड़ी सिटी डलास में इंडियन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इन एयरक्राफ्ट्स पर काम शुरू हुआ। इस बीच ग्लोबल पैंडेमिक कोरोना के चलते इन एयरक्राफ्ट्स को समय से तैयार नहीं किया जा सका और इंडियन एयरफोर्स को एयरक्राफ्ट हैंडओवर करने का प्रोसेस डिलेड हो गया। लेकिन 1st of October 2020 को वो लम्हा आ ही गया जब एयर इंडिया और इंडियन एयरफोर्स की एक टीम US के टेक्सास से एक एयरक्राफ्ट को लेकर दिल्ली आई। इसके कुछ महीनों बाद ही दूसरे एयर इंडिया वन एयरक्राफ्ट की भी डिलीवरी हो गई। ये दोनों एयरक्राफ्ट VTALW और VT-ATV रजिस्ट्रेशन वाले बोइंग 777-300ER हैं। इन दोनों एयरक्राफ्ट के परचेज और रिकंस्ट्रक्शन की टोटल कॉस्ट करीब 8400 करोड़ रुपीज एस्टिमेट की गई है। इन एयरक्राफ्ट्स को AI-1 के नाम से भी जाना जाता है। आज इन दोनों एयरक्राफ्ट्स को एयर इंडिया के पायलट नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट उड़ाते हैं, जबकि इन एयरक्राफ्ट्स के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड यानी AIESL को दी गई है। एयर इंडिया वन के इंडिया आने के बाद पहली बार नवंबर 2020 में तत्कालीन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने अपनी वाइफ के साथ इस स्पेशल एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी थी जब वो अपनी पत्नी के साथ चेन्नई गए थे। और दोस्तों, यही एयर इंडिया वन बोइंग 777 की पहली सक्सेसफुल फ्लाइट थी। दरअसल रामनाथ कोविंद को आंध्र प्रदेश के तिरुपति जाना था, लेकिन B-77 सीरीज का ये एयरक्राफ्ट तिरुपति के छोटे रनवे पर लैंड नहीं कर सकता था, इसलिए वो चेन्नई गए और वहां से एयरफोर्स के दूसरे एयरक्राफ्ट से तिरुपति पहुंचे थे। अगर हम इस एयरक्राफ्ट की पहली ऑफिशियल इंटरनेशनल फ्लाइट की बात करें तो इस एयरक्राफ्ट ने अपनी फर्स्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल जर्नी के लिए 26th of March 2021 को उड़ान भरी थी, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय यात्रा के लिए बांग्लादेश गए थे। वहीं इस एयरक्राफ्ट का असली टेस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के US ट्रिप पर हुआ था, जब ये एयरक्राफ्ट बिना किसी स्टॉपेज के सीधे वॉशिंगटन लैंड किया था। दोस्तों, ये तो थी एयर इंडिया वन बोइंग 777 के परफॉर्मेंस की बात। आइए इस एयरक्राफ्ट को और बेहतर तरीके से जानते हैं। दोस्तों, एयर इंडिया वन एयरक्राफ्ट की खासियत ये है कि ये बिना रुके इंडिया से US तक उड़ान भर सकता है। यानी इस एयरक्राफ्ट से दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक बिना ब्रेक के पहुंचा जा सकता है। ड्यूअल इंजन वाले इस एयरक्राफ्ट में वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल जेट इंजन GE90-115BL लगाया गया है। इस एयरक्राफ्ट की खासियत की बात करें तो इनमें एक हाईली एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है जो इस एयरक्राफ्ट को दुश्मन के किसी भी मिसाइल अटैक से सेफ रखता है। इस पर न्यूक्लियर अटैक का भी कोई असर नहीं होता। वहीं इसके आगे के हिस्से में लगे सेंसर की मदद से पायलट को मिसाइल से होने वाले किसी भी अटैक की जानकारी मिल जाती है। वहीं ये एयरक्राफ्ट दुश्मन के खिलाफ जवाबी हमला करने में भी सक्षम है। एयरक्राफ्ट में लगा सेल्फ प्रोटेक्शन सूट यानी कि SPS एयरक्राफ्ट को हवा में होने वाले किसी मिसाइल अटैक से बचाता है।
इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर लगा है जो दुश्मन के जीपीएस और ड्रोन सिग्नल को ब्लॉक करने का काम करता है। साथ ही इस एयरक्राफ्ट में एक खास एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगा है जो हवा में ऑडियो एंड वीडियो कनेक्ट करने की इजाजत देता है। यानी अगर एयरक्राफ्ट में सवार प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर चाहें तो इंडिया में बैठे किसी भी ऑफिसर के साथ डायरेक्ट मीटिंग कर सकते हैं। एयर इंडिया वन डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स यानी कि DIRCM सिस्टम से भी लेस है जो एयरक्राफ्ट को इंफ्रारेड मिसाइल से बचाती है। ये एयरक्राफ्ट चाफ एंड फ्लेयर से भी इक्विप्ड है जिसे रडार ट्रैकिंग मिसाइल से खतरा होने पर क्लाउडी चाफ रिलीज किए जाते हैं। ऐसे में ये एयरक्राफ्ट उस क्लाउड से छिपकर बिना दुश्मन की नजर में आए आगे निकल जाता है। एयर इंडिया वन के विंग्स में लगी मिरर बॉल सिस्टम टेक्नोलॉजी एयरक्राफ्ट को इंफ्रारेड मिसाइल से प्रोटेक्ट करती है। वहीं इसमें लगे सिस्टम की मदद से फ्लेयर्स यानी छोटे छोटे रॉकेट रिलीज किए जाते हैं। ये रॉकेट इतना हीट और लाइट जनरेट करते हैं कि इंफ्रारेड मिसाइल्स इनकी तरफ खिंची चली जाती है और एयरक्राफ्ट हमले से बच जाता है। वहीं इसमें सबसे आधुनिक सिक्योर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को भी लगाया गया है जिससे ना सिर्फ ग्राउंड पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बातचीत की जा सकती है। एयरक्राफ्ट का कम्युनिकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि एयरक्राफ्ट से होने वाली बातचीत को टैप भी नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट में एक और खास बात यह है कि इसमें हवा में फ्यूल भरने की क्षमता है। यानी इमरजेंसी की सिचुएशन में दूसरे एयरक्राफ्ट से इसमें फ्यूल भरा जा सकता है। जनरली ये फैसिलिटी एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट में होती है। एयर इंडिया वन एयरक्राफ्ट 900 किलोमीटर पर आर की स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है। इस एयरक्राफ्ट को मैक्सिमम 45,100 फीट की हाइट तक उड़ाया जा सकता है। वहीं एक बार फ्यूल भरने पर यह एयरक्राफ्ट लगातार 17 आवर्स तक उड़ान भर सकता है। आपको बता दें कि पहले इंडियन प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर US दौरे पर जाते समय रिफ्यूलिंग के लिए जर्मनी के फ्रैंकफर्ट सिटी में रुकते थे क्योंकि तब हेड्स ऑफ स्टेट बोइंग 747 जंबो जेट का इस्तेमाल करते थे जिसकी फ्यूल कैपेसिटी कम थी और ये एयरक्राफ्ट 10 आवर से ज़्यादा फ्लाई करने में सक्षम था। लेकिन अब एयर इंडिया वन की वजह से बिना रुके डायरेक्टली US तक ट्रैवल किया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी लास्ट US ट्रिप पर बिना ब्रेक के 15 आवर्स की जर्नी पर वॉशिंगटन पहुंचे थे जहां उन्होंने क्वाड समिट और UN जनरल असेंबली को एड्रेस किया था। एयर इंडिया वन बोइंग 777-300ER एयरक्राफ्ट के आने के बाद एयर इंडिया की VVIP फ्लीट से 25 साल पुराने बोइंग 747 एयरक्राफ्ट को हटा लिया गया है। अगर एयर इंडिया वन एयरक्राफ्ट की फैसिलिटी की बात करें तो इसमें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की सुविधाओं को देखते हुए स्पेशल VVIP रूम्स बनाए गए हैं। वहीं इस एयरक्राफ्ट में 2 कॉन्फ्रेंस रूम भी मौजूद हैं ताकि अगर कोई डेलीगेशन प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो उनके साथ मीटिंग की जा सके। इसके लिए एयरक्राफ्ट में बेहतरीन सीटिंग अरेंजमेंट किए गए हैं। वहीं अगर साथ में कोई मीडिया टीम भी हो तो उसे एड्रेस करने के लिए स्पेशल प्रेस ब्रीफिंग रूम भी बनाए गए हैं। इसके अलावा एयर इंडिया वन में लैब, डाइनिंग रूम, किचन और ऑफिस बने हुए हैं। साथ ही इस एयरक्राफ्ट में मेडिकल इमरजेंसी के लिए मेडिकल सूट भी अवेलेबल है जिसमें किसी भी मेडिकल इमरजेंसी को डील करने के लिए डॉक्टर्स मौजूद रहते हैं। एयर इंडिया वन एयरक्राफ्ट की बाहरी बनावट की बात करें तो एयरक्राफ्ट वाइट कलर के हैं। इनकी बॉडी पर शानदार अशोक एम्बलम छपा है और उसके एक तरफ हिंदी में भारत और दूसरी तरफ इंग्लिश में इंडिया लिखा है। दोनों नामों के नीचे तिरंगे की लाइनिंग प्रिंट की गई है। साथ ही एयरक्राफ्ट के पिछले हिस्से पर इंडिया का नेशनल फ्लैग प्रिंट किया गया है। दोस्तों, आज ये एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी बंकर से कम नहीं है और फैसिलिटी के लिहाज से आलीशान महल जैसा लग्जूरियस है। दोस्तों, भले ही एयर इंडिया वन तमाम खूबियों और खासियतों से इक्विप्ड है लेकिन जब बोइंग 777 एयरक्राफ्ट इंडिया आया था तब इस बात पर सवाल उठे थे कि एक डेवलपिंग कंट्री के हस्तियों के लिए इतने बड़े और महंगे एयरक्राफ्ट की क्या जरूरत है। खासकर इस बात को लेकर क्रिटिसिज्म हुआ कि करीब 8400 करोड़ रुपए में 2 एयरक्राफ्ट खरीदे गए हैं जबकि देश की आबादी करीब 130 करोड़ है यानी देश के एक नागरिक को कई करोड़ रुपए मिल जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि एयर इंडिया वन के उड़ान के दौरान पर आर $1,81,000 यानी करीब 1,30,00,000 का खर्चा आता है। इन कारणों के चलते क्रिटिक्स ने जमकर इस एयरक्राफ्ट के इंक्लूजन को लेकर क्रिटिसिज्म किया था लेकिन इस क्रिटिसिज्म को काउंटर करने के लिए कई लोगों ने ये सवाल पूछे थे कि क्या इंडिया जैसे एक डेवलपिंग कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी की कोई वैल्यू नहीं है। दोस्तों, इंडिया जिस तरह से एक पावर के तर्ज पर उभर रहा है ऐसे में दूसरे देशों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना बेहद जरूरी है। ये रिलेशन इकोनॉमिकली, सोशली और स्ट्रेटजिक तीनों सेक्टर में होने चाहिए और इन रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए हमारे हेड ऑफ स्टेट का दूसरे देशों में जाना जरूरी है। ऐसे में लीडर्स का सफर
आरामदायक हो और उससे भी ज्यादा सेफ और सिक्योर हो, इसके लिए ऐसे एयरक्राफ्ट जरूरी है। वहीं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की देश विदेशों की यात्राओं को सेफ बनाए रखने के लिए ऐसे मजबूत और हाईली एडवांस एयरक्राफ्ट की जरूरत है, ताकि राजीव गांधी पर हुए शर्मनाक हमलों को फिर से दोहराया ना जा सके। दोस्तों इसी के साथ आज के डिस्कशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि वीडियो के पहले भाग में आपको बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट, कमिशनिंग ऑफ एयर इंडिया वन एयरक्राफ्ट इज अ ह्यूज स्टेप फॉरवर्ड इन सिक्योरिंग फॉरेन विजिट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल हेड्स, बट द डेवलपमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट आउटसाइड इंडिया इज अ ह्यूज स्टेप बैकवर्ड टू फुलफिल द ड्रीम ऑफ मेड इन इंडिया प्रोग्राम। एंड विद दिस क्वेश्चन, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।